ये देखो भाई कितना इसमें बरूदा जाता है, देख रहे हो, इसी वजह से मोटर खराब होती है। फिर तुम बोलते हो यार कैसे करिए वैसे करिए, तो इसका भी कोई निवारण देखना पड़ेगा, जैसे पेपर लगाया था ताकि जाए ना। दोस्तों आपका स्वागत है फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। मेरे पास एक ये मोटर आई थी तो मैं इसे वाइंड कर चुका हूँ। इसमें तार वार जो निकली है वो डाटा वो सब बताऊँगा मैं आपको, उसके एम्पेयर भी चेक करवाऊँगा। फिलहाल मैंने इसमें कैपेसिटर लगा रखा है 13.25 का कैपेसिटर लगा रखा है, एक 10 का एक 3.25 का। तो दोस्तों इसमें कैपेसिटर 12 का लगता है पर मैंने 13.25 के से आपको चेक करवा रहा हूँ कि एम्पेयर कितने लेती होगी। दोस्तों ये मैंने वाइंड करी है और डाटा ये रहा, मैं डाटा भी आपको बताऊँगा। तो फिलहाल आप ये चेक करें कितना एम्पेयर लेती है, और ये आप देख सकते हैं। मैं आपको पहले इसकी कुछ जानकारी वो ही बता देता हूँ, जानकारी थोड़ी सी मिटी हुई है तो थोड़ा वो दिख रहा है इसमें। वाट है इसके 613 और आरपीएम है 1300, तो बाकी इसका मिटा हुआ है इधर पर जो कुछ लिखा हुआ था, बाकी ये है और बाकी की ये कनेक्शन है। पर मैंने इसे सिंगल स्पीड में करी है क्योंकि दोस्तों का सिंगल में ही मांग रहा था बंदा, तो मैंने इसके हिसाब से इसको कर दिया और ये चलेगी क्लॉकवाइज। और चलिए शुरू करते हैं इसके एम्पेयर। तो पहले आप चेक करो ये मोटर हमारी चल रही है और एम्पेयर ले रही है मेरी ये 0.70 के करीब ले रही है 0.0। ओके दोस्तों ये एम्पेयर इतना ले रही है ये मोटर, और ये है ब्लोअर मोटर। ओके दोस्तों तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और चलिए शुरू, मैं आपको इसका डाटा ही बताता हूँ जो मैंने इसमें डाला है, जो इसमें निकला है डाटा। ओके दोस्तों आप देख सकते हैं कोर इसकी 3 इंची 1 सूत है और आरपीएम 1300, वाट है 613 और कैपेसिटर इसमें 12 का 3 स्पीड, और ये 24 नंबर से 5, 7, 9 के बीच में 75 75 700 ग्राम, और 29 स्पीड है पर मैंने स्पीड डाली नहीं है, 50 50 है। और 24 से है इसमें स्टार्टिंग 8 10 के बीच में 100 150। ओके दोस्तों उसमें ग्राम निकले 450। ओके दोस्तों 24 24 से रनिंग स्टार्टिंग। तो ये डाटा इसका ये था। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना ताकि हम आप लोगों को नई नई वीडियो बना के ला सकें। ओके दोस्तों बाय।